जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है यशाया की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका 20वां पद। वचन कहता है, यद्यपि प्रभु ने तुम्हें कष्ट की रोटी और दुख का जल दिया, फिर भी तुम्हारा शिक्षक अधिक समय तक छिपाना रहेगा, परंतु तुम अपनी आंखों से अपने शिक्षक को देखोगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वाकई तो हमारा शिक्षक है। तूने हमें सजा है, तूने हमें संवारा है, तूने हमें अपनी माँ के कोख से निकाला है। तू ही जानता है हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, तू ही जानता है हमारे अंदर कौन से वरदान हैं, तू हमें जानता है अच्छी तरीके से। इसलिए परमेश्वर, तू हमारे जीवन में जो भी कार्य करता है उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि उचित समय पर तू हमें उठाता है, उचित समय पर तू हमें बनाता है, और तू ही हमें चुनता है। हम तुझे नहीं चुनते हैं, तू ही हमें चुनता है और चुनकर नियुक्त करता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। प्रभु तू निराला है, प्रभु हम बहुत आशीषित हैं कि हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे चेले हैं, हम तेरे दास हैं, हम तेरे पुत्र हैं। हम आशीषित हैं क्योंकि हमको तूने चुना है। वचन क्या बताता है कि परमेश्वर कभी कभी आपकी परीक्षाओं को लेता है। वचन क्या बताता है कि यद्यपि प्रभु ने तुम्हें कष्ट की रोटी और दुख का जल दिया है, जो कष्ट आप महसूस करते हैं, कभी कभी आप आराम की जिंदगी बिताते हैं, कभी कभी आप आराम से अपनी सेविकाई को करते हैं, लेकिन एक कष्ट आता है, आपके साधन पूरे नहीं होते हैं, जो चीज आपको मिल रही होती है अचानक वो रुक जाती है। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर शिक्षक के रूप में आपको एक नया रूप दे रहा है, परमेश्वर एक नए मौसम को आपके जीवन में लेके आ रहा है, पुराने मौसम से नए मौसम में आपको लेके जा रहा है। मेरे भाई, ये बदलाव जरूरी है, ये बदलाव जरूरी है, क्योंकि अगर कष्ट की रोटी परमेश्वर दे रहा है तो धन्यवाद, उस रोटी में संयम है, उस रोटी में दृढ़ता है, उस रोटी में धीरज है, उस रोटी में सहनशीलता है, और उस रोटी के द्वारा हमारा विश्वास मुकम्मल होता है, हमारा विश्वास सिद्ध होता है, और हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है। और यही परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारा विश्वास अटूट रहे, हमारा विश्वास पूरी तरीके से सुरक्षित रहे हमारे अंदर, और हम दृढ़ता के साथ परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएं, चाहे कोई भी स्थिति हो, हम जीवन में संयम, हम जीवन में दृढ़ता, और हम जीवन में विजय हासिल करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर एक शिक्षक के रूप में हमारे साथ है। दोस्तों, बदलाव जरूरी है। एक बच्चा जब अपनी माँ की कोख में होता है, वो बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। अगर आप महसूस करें और देखें, महसूस करें, आंखें बंद करके बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, लेकिन जब समय आता है, जब उसका मौसम बदलने वाला होता है, परमेश्वर उसे माँ की कोख से बाहर निकालता है, लेकिन बच्चा नहीं चाहता है। बच्चा नहीं चाहता कि वो अपनी माँ की कोख से निकले, वो आराम की जिंदगी बिता रहा है, वो नहीं चाहता कि बाहर निकले, वो नहीं चाहता है उस बदलाव को, वो नहीं चाहता है, और इसलिए जैसे ही वो बाहर आता है, वो रोता है, वो बच्चा रोता है, बदलाव नहीं चाहता है, वो देखता है इस नए संसार में कौन है, किसके पास में आ गया, कहां आ गया, किस अनजान दिशा में आ गया, किस अनजान जगह में आ गया, कौन सा मौसम मेरे अंदर आ गया, हालेलुया। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ का दूध पीता है, और माँ समय बदलता है, मौसम बदलता है, और माँ अपना दूध छुड़ाकर उसको चम्मच से दूध पिलाती है, बच्चे को पसंद नहीं है, वो रोता है। उसके बाद बच्चे को आदि करती है कि वो गिलास में दूध पिलाती है, बच्चा उसे भी नहीं चाहता है। बदलाव इंसान को पसंद नहीं है मेरे भाई, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बदलाव हो, क्योंकि आप उस संसार से आए हैं जहां पर शैतान था, लेकिन अब आप परमेश्वर के संसार में जा रहे हैं जहां पर स्वर्ग है, जहां पर ज्योति है, जहां पर परमेश्वर है, जहां पर स्वर्गदूत है, और परमेश्वर चाहता है आपके रूप को बदलना, परमेश्वर चाहता है आपके विचारों को बदलना, परमेश्वर चाहता है आपको दृढ़ता देना, परमेश्वर चाहता है आपको संयम देना, परमेश्वर आपको अपने अनुरूप बनाना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना की थी, उससे कहा था कि पतरस, अंतिम समय है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, शैतान ने गेहूं की तरह छटकने के लिए तुझे मांग लिया है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, हालेलुया। वो प्रार्थना क्या थी यीशु मसीह की पतरस के लिए, कि पतरस को और मजबूत करे, पतरस को और मजबूत करे, पतरस को और
और शक्तिशाली बना दे, सामर्थ्य से भर दे, पतरस और मैच्योर हो जाए। हालेलुया। तीन बार जब उसने इनकार किया, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी बढ़ी, उसके बाद उसका उसका दायित्व बढ़ा, उसके बाद उसका बोझ बढ़ा, उसके बाद उसका परमेश्वर के लिए प्यार बढ़ा। हालेलुया। जैसे ही कब्र खाली की खबर उसने सुनी, पतरस भागता हुआ, वो पहला व्यक्ति था जब भागता हुआ कब्र की ओर गया और यीशु मसीह को देखने के लिए ललक हुआ। जब यीशु मसीह उसके पास तिबरियास झील में आए, यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम उससे प्यार करता है? यस, पतरस ने कहा, मैं प्यार करता हूं परमेश्वर आपसे। हालेलुया। तू एक चरवाहा बनकर मेरी भेड़ों को संभाल, मेरी भेड़ों को पाल, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। लेकिन पतरस को यीशु मसीह ने बताया कि ये शिक्षा है, मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं मेरे बच्चे, मैं तुझे दुख की रोटी दे रहा हूं, मैं तुझे ऐसा प्याला दे रहा हूं जिसको तुझे पीना है, क्योंकि तेरी मौत क्रूस पर होगी, तेरी मौत दर्दनाक होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा शिक्षक है, वो हमें बताता है कि जब हम अपने क्रूस को लेकर चलते हैं इस धरती पर, तो हमारे लिए जीवन बिताना, इस धरती पर संसार पर बिताना मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होगा। वो बदलाव जरूरी है, एक मसीह के लिए ऐसा बदलाव जरूरी है। कई रिश्ते आएंगे जो आपको रोकेंगे, कई विचार आएंगे जो आपको रोकेंगे, कई भावनाएं आएंगी जो आपको रोकेंगी, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर का क्रूस उठाकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शिक्षक है और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा मौसम बदले, हम उस नए मौसम में विश्वास के संग कदम बढ़ाते हुए चले और परमेश्वर के साथ विजय पताका को हासिल करें, विजय को हासिल करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए दोस्तों, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक शिक्षक के रूप में हमें ताड़ना देता है, परमेश्वर हम पर दया करता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाकर विजयी बनाता है। आइए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। धन्यवाद सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन।